देखिए स्टूडेंट, इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने और हमने स्पीड की डेफिनेशन को सीखा था। हमने ये भी सीख लिया था कि वेलोसिटी क्या होता है। स्पीड और वेलोसिटी की डेफिनेशन समझने के बाद में हमने और आपने, भाई जब इंटरवल की बात की जाए, लंबे समय की बात की जाए, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ये भी सीखा। आज चलिए इसी पर हम बेस्ड प्रॉब्लम्स किस तरह से फ्रेम होते हैं उस पर बात करते हैं। और वो बात करने से पहले एक बार ब्रीफ में छोटी सी बात आपको स्पीड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। देखिए बात पहली ऐसी है कि स्पीड क्या होता है। तो हमने बताया था स्पीड होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम स्पीड होता है। स्पीड यूनिट क्या होता है, तो स्पीड का यूनिट डिस्टेंस के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड। डायमेंशन क्या होता है स्पीड का, तो डिस्टेंस के लिए एल, मीटर टाइम के लिए टी, तो हमने एल वन टी माइनस वन। डायमेंशन निकलने के बाद डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होता है, तो वो स्केलर होता है। स्केलर मतलब हमेशा पॉजिटिव। उसके बाद एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड को क्या बताया गया था, इसे कहा था आप कॉन्शियस मत हो कि बीच में क्या हो रहा है। भाई मोशन शुरू हुई और मोशन खत्म हुई, कहीं से शुरू हुई, स्टार्ट हुई, कहीं पर एंड हुई, टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ और उसको टोटल टाइम कितना लगा। आपस सुनना बेटा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, टोटल टाइम कितना हुआ, ये निकाल लो, एवरेज स्पीड निकल जाएगी। हमने वेलोसिटी बोला था, वेलोसिटी कहा था डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। समझना बच्चों, वेलोसिटी क्या कहा गया था, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वापस समझना, यूनिट निकालने गए, यूनिट वापस आएगा मीटर पर सेकंड। डायमेंशन निकालने गए, वापस से डायमेंशन वही आने वाला है। डिस्प्लेसमेंट के लिए भी एल, टाइम के लिए टी, एल टी माइनस वन आने वाला है। स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी कितने तरह की, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। नाउ वापस से एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मतलब इससे कहा जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम को निकाल लिया जाए तो उसे एवरेज वेलोसिटी कहा जा सकता है। देखिए कई बार प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको स्पीड वो मीटर पर सेकंड में नहीं देता है। प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय स्पीड आपको मीटर पर सेकंड में नहीं देता है, कई बार वो स्पीड आपको देता है किलोमीटर पर आवर में, तो आपको उसे चेंज करना होता है मीटर पर सेकंड में। अच्छा, 1 किलोमीटर कितने मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है। 1 आवर कितने मिनट होता है, तो 1 आवर होता है 60 मिनट, 60 मिनट होता है 60 सेकंड, 3600 सेकंड। देखो 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, तो 1 आवर में होते हैं 3600 सेकंड, 0 0 कैंसिल, सॉल्व करने पर आता है 5/18 मीटर पर सेकंड। आप समझ लो बेटा, सॉल्व करने पर कितना आता है, तो सॉल्व करने पर आता है 5/18 मीटर पर सेकंड। आइए प्रॉब्लम्स के माध्यम से और समझिए। प्रॉब्लम में ऐसा कहा गया है कि एक पर्सन है, वो ए से मोशन करता है, बी पर मोशन करते हुए जाता है। उसको 3 रास्ते दिए गए हैं, पहला पाथ ये रहा, दूसरा पाथ ये रहा और तीसरा पाथ ये रहा। जब पहले पाथ से मोशन करता है तो पहले पाथ से, दूसरे पाथ से और तीसरे पाथ से, सेकेंड पास से 50 मीटर, फर्स्ट पास से 60 मीटर और थर्ड पास से आपको मिलता है 75 मीटर, इस तरह से वो जाता है। आपको इस केस में जाने का जो समय है, समय तीनों केस में दे रखा है वो 10 सेकंड है, 10 सेकंड में वो ऐसे भी पहुंच जाता है। तो आपको बताना है स्पीड और वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो स्पीड मतलब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम और वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। पापा चेक करना बेटा, स्पीड मतलब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम और वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, तो इससे पहले लेक्चर में हमने सीखा था शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। भाई स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब नोटिस करना, एक्स एक्स डैश, वाई ये आपके पास वाई डैश, एक्स मतलब प्लस आई, एक्स डैश मतलब माइनस आई, वाई मतलब प्लस जी और वाई डैश मतलब आपके पास माइनस जी अवेलेबल है।
तो वेलोसिटी चेक करो ध्यान से, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है तो 50 है, 50 इधर की तरफ है मतलब प्लस आई है, और टाइम कितना है तो 10 सेकंड है, 50 मीटर पर सेकंड, तो ये आ गया आपके पास में 5 प्लस आई मीटर पर सेकंड, ये आपके पास में हो सकता है। तो वेलोसिटी को लिखा जाएगा 5 मीटर पर सेकंड आई, यूनिट ये आ चुका है और प्लस आई। अच्छा डिस्टेंस मतलब क्या भाई, इस पाथ को छोड़ा जाए तो इस पाथ को छोड़कर बाकी देखो, ये वाला पाथ और ये वाला पाथ, दोनों पाथ के लिए देखो स्पीड निकालना है, फर्स्ट पाथ के लिए तो डिस्टेंस कितना है 60, टाइम कितना है 10, तो कितना आया 6 मीटर फास्ट। अब बात करें स्पीड सेकंड पाथ के लिए निकालना हो तो सेकंड थर्ड पाथ के लिए निकालना हो तो थर्ड पाथ में देखो कितना है 75 मीटर, टाइम 10 सेकंड, ये आता आपके पास में 7.5 मीटर पर सेकंड। अच्छा आप थोड़ा इंटरप्रिटेशन पे आते हैं कि इसका मीनिंग क्या निकलता है, इसका मीनिंग ये निकलता है कि इस व्यक्ति को ए से बी पहुंचने में, ए से बी पहुंचने में 10 सेकंड लगे, इसको पहुंचने में ए से बी पहुंचने में 10 सेकंड लगे और इसको पहुंचने में ए से बी पहुंचने में 10 सेकंड लगे, लेकिन फास्ट सोचना ध्यान से, ज्यादा डिस्टेंस किसने कवर किया 75 मीटर ने, उससे कम किसने किया 60 मीटर ने, और उससे भी कम किसने किया तो 50 मीटर ने। अब मैं आपसे पूछता हूं अगर तीनों सेम टाइम में पहुंचे, अरे भाई तीनों सेम टाइम में पहुंचे और ये ज्यादा पहुंच के जल्दी पहुंच गया, ज्यादा ट्रेवल करने के बाद 75 चलने के बाद में भी वो सेम टाइम पे पहुंच गया जब पहले वाले पहुंचे थे, तो बताओ फास्ट कौन ट्रेवल किया भाई, फास्ट कौन ट्रेवल किया, रैपिडनेस ज्यादा किसकी है, कौन जल्दी जल्दी गया होगा, तो डेफिनेटली तीसरा वाला सबसे फास्ट गया होगा, तीसरा वाला सबसे फास्ट ट्रेवल किया होगा, उसके बाद फर्स्ट केस वाला फास्ट ट्रेवल किया होगा और लास्ट में सेकंड केस वाला फास्ट ट्रेवल किया होगा, बराबर है, मतलब हम कह सकते हैं रैपिडनेस सेम टाइम में ज्यादा कौन तेजी से जाता है इसे स्पीड कहते हैं, सेम टाइम में कौन तेजी से जाता है इसे स्पीड कहा जाता है, तो ये इसका इंटरप्रिटेशन है। अब ये समझने के बाद अब जो टॉपिक मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, देखिए स्पीड और वेलोसिटी पे प्रॉब्लम इनफाइनाइट मैनर में फ्रेम किए जा सकते हैं, बेसिक बात हम समझ चुके हैं, अब बेसिक बात समझने के बाद में और भी अगर कुछ अलग लेवल के प्रॉब्लम्स आएंगे तो हम डेफिनेटली डील कर सकते हैं। देखो अब बात ऐसी है, अगर आपको कहा जाए कि ए से बी कोई ट्रेवल कर रहा है, ए से सी, देखना ध्यान से है ना, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज स्पीड का मीनिंग बताया था मैंने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का मीनिंग क्या बताया था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, बराबर है ना। तो अब सोचो अगर आपको बोला जाए कि एक पर्सन ए से सी जा रहा है और उसे जाने का पाथ केवल एक ही पाथ है, सड़क है, वो स्ट्रेट है, वो एकदम स्ट्रेट है, अब केवल एक ही रास्ता है और स्ट्रेट पाथ है, अब आपसे पूछा जाए केवल एक ही पाथ है स्ट्रेट पाथ है और मान लो उसको, सपोज मैं ऐसा बोल रहा हूं समझाने के नजरिए से कि उसे 100 मीटर कवर करना पड़ा, बताओ 100 मीटर कवर करना पड़ा तो डिस्टेंस कितना है भाई, केवल एक ही पाथ है, एक ही रास्ता है, जब एक ही रास्ता है तो 100 मीटर ही कवर करना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन बाय स्ट्रेट लाइन, भाई स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन बाय स्ट्रेट लाइन, अब मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि रास्ता एक ही है स्ट्रेट है, दो तीन रास्ते है ही नहीं, एक ही रास्ते से जा रहा है, अरे भाई जब एक ही रास्ते से जा रहा है तो डिस्टेंस जो आ रहा था वो था 100 मीटर और डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है वो है प्लस 100 मीटर, प्लस क्यों, क्योंकि वो इस तरफ जा रहा है। तो अब यहां देखो एक बात पक्की दिख गई आपको कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, यहां प्लस 100 और यहां 100, दोनों देखो 100 ही है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये सीखा अगर पर्सन को या अगर किसी ऑब्जेक्ट को या अगर किसी पार्टिकल को स्ट्रेट पाथ पर मोशन करना हो
वो स्ट्रेट पाथ पर जा रहा हो तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होता है, ये हमने सीख लिया। मतलब आप उस समय एवरेज स्पीड निकालो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था बोलो, एवरेज स्पीड क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी क्या था बोल के बताओ भाई, एवरेज वेलोसिटी था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहां दोनों जगह पर एक बात आ रही थी डिस्टेंस की बात आ रही थी और एक और बात आ रही थी डिस्प्लेसमेंट की बात आ रही थी, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, एक बार फिर कह रहा हूं, रास्ता एक ही है, रास्ता सीधा है, पाथ स्ट्रेट है, और स्ट्रेट पाथ है मतलब क्या है, मतलब डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। तो इस केस में आपसे क्या कहा गया, सुनिएगा ध्यान से, ये ऐसे क्वेश्चन कहां पे फ्रेम होते हैं बताना चाहूंगा मैं। ऐसा कहा गया कि पहाड़ पर एक इंसान जमीन पे खड़ा हुआ है, जमीन पे खड़ा हुआ, पहाड़ पे चढ़ा और पहाड़ से उतर गया। अब देखो वो तो स्ट्रेट होता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम में बता दिया जाता है कि स्ट्रेट है। बोला गया है ऊपर गया वापस नीचे आया, जा चढ़ते समय स्पीड अलग था, आते समय स्पीड अलग है, बताओ एवरेज स्पीड कितना होगा। भाई चढ़ते समय 800 मीटर गया तो आते समय भी तो 800 ही आएगा, आते समय भी 800 आएगा, मतलब डिस्टेंस इक्वल हो गया, डिस्टेंस इक्वल हो गया। फिर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होते हैं कि एक पर्सन निकला घर से गाड़ी लेके, शुरुआत के 5 मिनट में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, अगले 5 मिनट में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, और अगले 5 मिनट में 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। देखो 5 मिनट तो सब जगह एक जैसे ही थे, पहले 5 मिनट में, दूसरे 5 मिनट में, तीसरे 5 मिनट में, पर बदला तो क्या बदला, बदला तो पहले स्पीड 20 था, बाद में 40 हुआ, बाद में 80 हुआ। अब देखो यहां टाइम सेम आ रहा है, और आपसे बोला गया कि बताओ एवरेज स्पीड कैसी होती है। तो इसी से रिलेटेड कंसेप्ट को आज हम सीखते हैं, समझते हैं कि भाई पर्सन ए से बी, पर्सन ए से मोशन स्टार्ट किया, सी पे उसको जाना है, ए से जब वो बी गया, बी से सी गया, तो ए से बी जाते समय उसको S1 डिस्टेंस कवर करना पड़ा, S1 डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ा, यहां से यहां तक S2, जाते समय उसकी स्पीड यहां से V1 थी, यहां से V2, यहां पे टाइम इसको T1 लगा, यहां पे टाइम इसको T2 लगा। आपको बताना है एवरेज स्पीड कब बताना है, दो केसेस में, जब इक्वल टाइम में गया, मतलब पहले 5 मिनट में 20 किलोमीटर पर आवर और दूसरे 5 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो अगर जब टाइम इक्वल हो तब बताओ आंसर क्या आएगा। और जब पहाड़ वाला केस हो कि जाते समय 800 मीटर आते समय 800 मीटर, मतलब ए से जब बी गया तो डिस्टेंस S1 था, और बी से सी गया तो भी S2 था, और दोनों सेम थे, तब आपको एवरेज स्पीड बताना है। तो आइए एवरेज स्पीड की डेफिनेशन को याद कीजिए, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड को वी बार से बताया जाता है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है तो S1 प्लस S2, टोटल टाइम कितना है तो T1 प्लस T2। तो एवरेज स्पीड को लिखा जा सकता है टोटल डिस्टेंस, पहला केस कौन सा ले रहा हूं मैं, तो पहला केस में ले रहा हूं जब टाइम इक्वल हो, तो S1 प्लस S2, अब नीचे देखो T1 प्लस T2। अब जब टाइम इक्वल है तो क्या लिख सकता हूं मैं, तो T प्लस T लिख सकता हूं, तो एवरेज स्पीड आ जाएगा S1 प्लस S2 डिवाइड बाय 2T। अब देखो यहां से यहां ट्रेवल कितना डिस्टेंस किया, V1 स्पीड से S1 डिस्टेंस कवर किया T1 टाइम में, और T1 टाइम को मैं T लिख सकता हूं, तो S1 इक्वल टू V1 T आ चुका है। भाई जब वो B से C गया, तो B से C जाते सकते समय क्या हुआ, देखो B से C जाते समय स्पीड कितना था, तो B से C जाते समय स्पीड V2 था, कितना डिस्टेंस कवर किया S2, कितने टाइम में किया T टाइम में, जब T टाइम में कवर किया मतलब सेम टाइम में कवर किया, तो S2 इक्वल टू V2 इनटू T लिखा जा सकता है। तो देखो भाई ध्यान से, S1 आ गया, S2 आ गया, अरे भाई S1 आ गया और S2 आ गया, पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो एवरेज स्पीड क्या आएगा, देखो ध्यान से एवरेज स्पीड क्या आएगा, ध्यान से देखो, तो एवरेज स्पीड आएगा वी बार इक्वल टू S1 प्लस S2 डिवाइड बाय 2T। S1 के प्लेस पे क्या लिखोगे, तो S1 के प्लेस पे लिखोगे V1T, S2 के प्लेस पे V2T डिवाइडेड बाय 2T। एवरेज स्पीड आया V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2, इससे ऐसा लिखा जा सकता है।
तो एवरेज स्पीड आपके पास v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2 लिखा जा सकता है, जब टाइम इक्वल हो, टाइम इंटरवल इक्वल हो। अब समझना, अगर ऐसा बोला जाता था, इसके स्पेशल केसेस और समझ के ध्यान देना भाई। मान लो ये तो दो इंटरवल थे, ए से बी बोलते, बी से सी बोलते, सी से डी बोलते, यहां से यहां कहते v1 v2 v3 इक्वल टाइम में, मतलब बोला जाता पहले 20 किलोमीटर पर आर की स्पीड से गया, बाद में गया 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, बाद में गया 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, और आपसे बोला गया है कि हर बार 5 मिनट में जाता रहा है, पहले 5 मिनट में 20 की स्पीड से, दूसरे 5 मिनट के अंदर 40 की स्पीड से, और तीसरे 5 मिनट के अंदर 80 की स्पीड से, 80 की, बताओ एवरेज स्पीड कितना होगा। देखो पिछले केस में जब टाइम इक्वल था तो हमने क्या किया था, डायरेक्टली हमने किया था v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2, यहां हम करेंगे v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाय 3, ऐसा हम करने वाले हैं। अब अगर देखिए 20 प्लस 40 प्लस 80 डिवाइड बाय 3, 20 प्लस 40 60, 60 प्लस 80, देखो भाई 60 प्लस 80 कितना हो जाता है आपके पास में, देखो 80 प्लस 40 120 140 3, ये आता है आपके पास में 1 किलोमीटर पर आ रहा। अब सोचो अगर मान लो ऐसा होता, ए से बी वी वन स्पीड, बी से सी वी टू स्पीड, सी से डी वी थ्री स्पीड, डी से ई वी फोर स्पीड, लास्ट में वी एन स्पीड, और फाइनल स्टॉप हो गया या फाइनली फाइनल पोजीशन पे पहुंचा, पहले टी टाइम में, फिर से टी टाइम में, फिर से टी टाइम में, फिर से टी टाइम में, और लास्ट में टी टाइम में, तो एवरेज स्पीड कितना निकलेगा। तो एवरेज स्पीड वापस से वही वाली बात, जितने इंटरवल उतना डिवाइड, भाई पहले दो इंटरवल थे 1 2 डिवाइड बाय 2, अब कितने इंटरवल थे 1 2 3 स्टेप्स में गया था, पहले 5 मिनट में, दूसरे 5 मिनट में, तीसरे 5 मिनट में, तो डिवाइड बाय 3 आया। 4 से जाता तो क्या आता, 4 से जाता तो आता v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 डिवाइड बाय 4। अच्छा 5 से जाता तो बोलो क्या आता था, वो आता था v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 डिवाइड बाय 5। और बोलो n से जाएगा तो कितना आएगा, तो n से जाने पर आएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश 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 vn, ये आपके पास में एवरेज स्पीड डिवाइड बाय n आ जाएगा। तो कुछ ऐसा कहा जा सकता है इसे, यहां पर हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने यहां पर एवरेज स्पीड समझ लिया कि जब टाइम इंटरवल इक्वल होता है तो कैसे निकाला जाता है। आइए अब समझते हैं कि जब इक्वल डिस्टेंस कवर करता है अनइक्वल टाइम के अंदर, तब एवरेज स्पीड क्या आएगा। वापस चेक करो एवरेज स्पीड की बेसिक डेफिनेशन क्या है। अरे भाई एवरेज स्पीड की बेसिक डेफिनेशन क्या है, तो एवरेज स्पीड की बेसिक डेफिनेशन है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाई चेक करो, जब ए से बी गया तो डिस्टेंस कितना कवर किया, तो ए से बी डिस्टेंस कवर किया एस वन। चेक करो बी से सी गया तो बी से सी कितना डिस्टेंस कवर किया, तो बी से सी डिस्टेंस कवर किया एस टू। टोटल टाइम, तो टाइम ए से बी आया तो टाइम कितना आया, तो ए से बी आने पर टाइम आया टी वन, बी से सी आने पर टाइम आया टी टू, बराबर है ना। तो एवरेज स्पीड कितना निकलेगा, एस वन प्लस एस टू डिवाइड बाई टी वन प्लस टी टू। आइए एवरेज स्पीड एस वन प्लस एस टू डिवाइड बाई टी वन प्लस टी टू, और उसने खुद ने कह दिया है कि जब एस वन और एस टू की वैल्यू इक्वल है। ये पहाड़ वाला केस था, मैंने क्या कहा था पहाड़ वाले केस में, कि पहाड़ पे 800 मीटर गया, उतरेगा तो कितना आएगा, नीचे आएगा तो कितना कवर करेगा। अरे भाई नीचे आने पर भी 800 ही कवर करेगा, तो जाते समय 800 और आते समय भी 800 इक्वल डिस्टेंस। जाते समय 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से गाड़ी गई, आते समय 60 की स्पीड से आई, स्पीड अलग अलग हो गया, पाथ सेम है। भाई स्पीड अलग अलग हो गया, पाथ सेम है, तो देखो क्या होगा। तो हम बात करते एस प्लस एस डिवाइड बाई टी वन प्लस टी टू। आप s प्लस एस को क्या लिख सकते हैं, 2s डिवाइड बाई टी वन प्लस टी टू। अब देखो ध्यान से, प्लीज ध्यान से देखो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मैं टाइम को क्या रिप्लेस कर सकता हूं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चेक करो भाई, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो टाइम इक्वल टू आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वैसे आप बात करो v2 कितना आ गया, s अपॉन t2, तो हम बात करते हैं t2 कितना आ गया, s अपॉन v2। अब इन t1 और t2 की वैल्यू को दोनों हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहां पर। भाई जब t1 और t2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो एवरेज स्पीड क्या लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है 2s अपॉन t1 प्लस t2।
तो ये आ गया 2s, t1 कितना है तो s अपॉन v1, t2 कितना है s अपॉन v2। अब यहां से कॉमन क्या निकला देखो ध्यान से, 2s s कॉमन निकला, s अपॉन s कॉमन निकला, तो ये बचा आपके पास में 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। तो एवरेज स्पीड का एक्सप्रेशन आया s s कैंसिल, 2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, और इसे आप लिख सकते हैं 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय v बार। ये एवरेज स्पीड का एक्सप्रेशन आ चुका है, और आप चाहते तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, v बार इक्वल टू 2 v2 प्लस v1 एलसीएम में v1 v2, ये आ गया ट्वाइस v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। एवरेज स्पीड आ गया ट्वाइस v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, दिस इज द एवरेज स्पीड, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड ट्वाइस v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, या 2 डिवाइड बाय v बार 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। अभी ये तो हो गया जब 2 इंटरवल थे, देखो यहां से यहां कवर किया था s, वापस यहां से यहां कवर किया था s, लेकिन अगर 2 इंटरवल ना होते हुए इंटरवल बढ़ जाते तो क्या करते, समझना ध्यान से थोड़ा सा भाई, इंटरवल ऐसे बढ़ते, क्वेश्चन समझना कैसे, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, ए से बी गया एस डिस्टेंस कवर किया, बी से सी गया एस डिस्टेंस कवर किया, सी से डी आया एस डिस्टेंस कवर किया, पहले हम बात करें 5 मिनट के लिए चला, दूसरे बात करें 10 मिनट के लिए चला, तीसरा बात करें 15 मिनट के लिए चला, मान लीजिए पहले कितने स्पीड से गया तो 20 किलोमीटर पर आवर से, दूसरा कितना स्पीड से गया यहां से यहां तक 40 किलोमीटर पर आवर से, और लास्ट में कितने से गया तो मान लो 80 किलोमीटर पर आवर से। तो यहां सेम क्या आ रहा है, सेम बोल रहा है कि पहले 100 मीटर को वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, दूसरे 100 मीटर को, ये टाइम ना भी बोला जाए तो बात चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहां पर, हाँ पहले 100 मीटर को कितने स्पीड से गया, पहले 100 मीटर को 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरे 100 मीटर को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और तीसरे 100 मीटर को कितने से 40 किलोमीटर पर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अब इंटरवल कितने हो गए भाई, अरे कितनी बार इक्वल डिस्टेंस कवर करके जा रहा है, वो 3 बार इक्वल डिस्टेंस कवर करके जा रहा है, पहला दूसरा तीसरा। तो एवरेज स्पीड 3 बाय v बार आएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। 4 इंटरवल होते तो क्या आता, 4 अपॉन v बार 1 अपॉन v1 1 अपॉन v2 1 अपॉन v3 1 अपॉन v4। अच्छा n इंटरवल होते तो क्या आता, n इंटरवल डिस्टेंस कवर करता तो क्या आता, n अपॉन v बार 1 अपॉन v1 1 अपॉन v2 1 अपॉन v3 डैश डैश 1 अपॉन vn। कुछ इस तरह से हमने एवरेज स्पीड निकालने का तरीका सीखा। तो हमने एवरेज स्पीड कैसे निकाली, आप देखिए आप समझते हैं एवरेज स्पीड को समझने के बाद एक प्रॉब्लम के माध्यम से कैसे सॉल्व किया जाए। आइए एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखते हैं। यह प्रॉब्लम ऐसा कहा गया है इस प्रॉब्लम में कि पर्सन अपनी मोशन स्टार्ट करता है, वो स्टार्ट करता है किसी पॉइंट से, एंड करता है किसी पॉइंट पर, समझना ध्यान से क्या कहा गया है, पर्सन स्टार्ट करता है मोशन और एंड करता है मोशन, और स्पेशल तरीके से मोशन करता है, वो ए से बी, बी से सी, वो यहां से यहां जाता है हाफ टाइम के लिए, हाफ डिस्टेंस के लिए एस बाय टू, अगले हाफ डिस्टेंस के लिए एस बाय टू, पहले हाफ डिस्टेंस के लिए वो वी वन स्पीड से जाता है, और अगले हाफ डिस्टेंस के लिए वो दो इंटरवल में ट्रेवल करता है इक्वल टाइम में v2 और v3 स्पीड से। बताओ a से c जाते समय उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, वापस समझ लेना बेटा क्या बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन समझा रहा हूं फिर से ध्यान से समझना भाई, a से c जाता तो टोटल डिस्टेंस s कवर करना पड़ रहा था उसको, टोटल डिस्टेंस s मान लो 100 मीटर, उसने ऐसा कहा कि शुरुआत के 50 मीटर वो किसी स्पीड से गया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बाद के 50 मीटर मतलब बाद के बचे हुए 50 मीटर वो ऐसा जा रहा है आपके सामने 40 किलोमीटर पर आवर फॉर सम टाइम एंड 60 किलोमीटर पर आवर फॉर सम टाइम। तो यहां देखो बी से सी, पहले तो देखो ए से सी में बात कर रहा है वो इक्वल डिस्टेंस की,
और वो बी से सी में बात कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल की। देखो भाई बी से सी में वो क्या बात कर रहा है, कौन सा टाइम इंटरवल की बात कर रहा है, चेक कर लो वापस से, इक्वल टाइम इंटरवल की है ना। वापस देख लो भाई, ए से सी दो टुकड़ों में गया, दो पार्ट में गया, ए से बी गया और बी से सी गया, तो ए से बी गया हाफ गया, बी से सी गया फिर से हाफ गया है ना। आप देखो बी से सी कैसे जा रहा है, दो मेथड है इसकी, पहले इक्वल हाफ इक्वल डिस्टेंस। अब बी से सी जाते समय फॉर सम टाइम वी टू स्पीड, फॉर सम टाइम वी थ्री स्पीड, मतलब दो बातें एक साथ आ गई। पिछले दोनों क्वेश्चन हमने जो सीखे, इक्वल टाइम वाला या इक्वल डिस्टेंस वाला और इक्वल टाइम वाला, वो दोनों साथ आ गए। देखो मैंने पहले भी बताया था, यहां जब आप जा रहे हो ध्यान से देखते जाना इस बात को, जब भी आप इक्वल टाइम की बात करते हो, मतलब बी टू सी की बात कर रहे हो आप यहां से बी टू सी, तो जब टाइम इक्वल होता है तो क्या करते हैं, तो टाइम इक्वल होता है तो डायरेक्टली आप एड कर देते हैं, और जितने इंटरवल होते हैं देखो v2 प्लस v3 डिवाइड बाय 2, यहां से स्पीड है v, a से b और b से c, तो यहां इसकी एवरेज स्पीड जो आ गई है वो v बार आ गई है, मैं v बार कहता हूं b टू c, एवरेज स्पीड फ्रॉम b टू c। अब यहां देखो यहां से यहां का टाइम इंटरवल इक्वल है, नहीं टाइम इंटरवल नहीं डिस्टेंस कवर्ड इक्वल है, ये भी s बाय 2 ये भी s बाय 2। अब टोटल v बार निकालना है तो हम टोटल v बार निकालेंगे, v बार कहां से कहां तक का, ए से सी तक का, तो कहां से कहां आएगा 1 अपॉन वी वन प्लस कितना आएगा 1 अपॉन वी वन के बाद 1 अपॉन वी बी सी बार। ये देखो भाई पहला निकाल लिया, इक्वल टाइम था, इक्वल टाइम था तो यहां का एवरेज स्पीड निकाला वी टू प्लस वी थ्री डिवाइड बाई टू, इस एवरेज स्पीड को कह दिया बी से सी तक का एवरेज स्पीड। अब ये हो गया बी से सी तक का एवरेज स्पीड, ये हो गया आपके पास वी वन, तो यहां इक्वल डिस्टेंस आ रहा है और इक्वल डिस्टेंस आते समय मैंने बताया था 2 डिवाइड बाय एवरेज स्पीड 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, यहां v1 तो अवेलेबल है, v2 के प्लेस पे v बार c अवेलेबल है। तो देखो ध्यान से आप क्या लिख सकते हैं, अब ध्यान से आप इसे लिख सकते हैं v बार ac इक्वल टू ट्वाइस v1 vbc का बार v1 प्लस vbc का बार एवरेज स्पीड। तो आइए एवरेज स्पीड कितना निकलेगा, ट्वाइस v1 VB बार C, तो V2 प्लस V3 डिवाइड बाय 2, तो ये होगा आपके पास V2 प्लस V3 डिवाइड बाय 2, ये आया V1 प्लस कितना V बार C, ये आ गया V2 प्लस V3 डिवाइड बाय 2, VAC का बार ये आ चुका है आपके पास में 2 से 2 कैंसिल हो गया, V1 V2 प्लस V3, V2 प्लस V3 डिवाइड बाय 2, VAC का बार यहां से यहां तक एवरेज स्पीड मतलब ट्वाइस वी वन वी टू प्लस वी थ्री डिवाइड बाय टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, ये हमारे पास एवरेज स्पीड। मतलब इस प्रॉब्लम में हमने दोनों बातें सीख ली, यहां पर इक्वल टाइम इंटरवल वाला कंसेप्ट सीखा, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में क्या करेंगे, जो भी होगा उसका इंटरवल से डिवाइड करेंगे वन टू डिवाइड बाय टू, और इक्वल डिस्टेंस में क्या करेंगे तो मीन लेंगे, एवरेज निकालते समय 2 डिवाइड बाय v बार 1 अपॉन v1 प्लस यहां से यहां तक का। देखिए अगले लेक्चर में हम स्पीड और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स और सीखेंगे और उनके माध्यम से हम और बेटर क्लैरिटी की तरफ जाएंगे, फिजिक्स के अंडरस्टैंडिंग और बेहतर बनाएंगे। ठीक है, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एकेडमी मेन ब्रांच प्रभात चौक एमजे कॉलेज रोड लोकमान्य हॉस्पिटल बाजूला जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ बंधन बँकेशेजारी ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर जळगाव